नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया शिक्षण विधि को देखेंगे। उन्होंने शिक्षण विधि में योग विधि बताए। योग विधि जो है चित्त वृत्तियों को निरोध के लिए यह आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने अनुकरण विधि का भी वर्णन किया। अनुकरण विधि में शिक्षक के गुणों व आदर्शों के अनुकरण हेतु उन्होंने अनुकरण विधि का प्रयोग किया। केंद्रीयकरण विधि, केंद्रीयकरण विधि में जो है मन को एकाग्र करने के लिए यह केंद्रीयकरण विधि आवश्यक है। इसमें जो है एक जगह पर मन को केंद्रीकृत किया जाता है। ज्ञान अर्जित करने हेतु विचार विमर्श विधि, व्याख्यान विधि, उपदेश विधि एवं तर्क विधि का भी प्रयोग किया। छात्रों को सुझाव देने हेतु व्यक्तिगत निर्देशों एवं परामर्श विधि का भी जो है इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग प्रदर्शन द्वारा तथ्यों को ज्ञान देने या स्वयं प्रयोग करके तथ्यों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग विधि का प्रयोग इन्होंने बताया। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र का इस प्रकार का ध्यान रखे कि उसे किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचे। इसी प्रकार छात्र के सीखने को स्वतंत्रता का भी जो है सम्मान करें एवं छात्र को स्वतः शिक्षित होने दें। तो ये था विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विधिया। धन्यवाद।